कार का जो एमिशन सर्टिफिकेट है उसको लें, और ये जिम्मेदारी हमने खुद अदा करनी है। फार्मर्स, मुंजी जलाने वालों से मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि स्टबल बर्न ना करें। आप अरेस्ट भी हो रहे हैं, वो हमारे एग्रीकल्चर स्क्वाड्स और ईपीए के स्क्वाड्स आग बंद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। आज फिर सुबह अरेस्ट हुए हैं लोग, एफआईआर कटी हैं, अब फार्म ओनर्स के ऊपर एफआईआर कट के उनके अरेस्ट हो रहे हैं। तो लेकिन जब तक आप खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे, हम अपनी कसर किसी किस्म की नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपकी जो तावन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम पार्क्स का भी इस वक्त क्लोजली देख रहे हैं, उनके टाइमिंग्स को भी हम रिव्यू कर रहे हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को प्लीज़ जो रात को, क्योंकि शाम को ये AQI थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, तो वी आर नॉट टेकिंग एक्सट्रीम स्टेप्स फॉर आउटडोर इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़। लेकिन किसी वक्त भी अगर हमने अपनी चीज़ ना बदली तो हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अभी AQI की एवरेज उस स्टेज पर नहीं है कि मैं ये लॉकडाउन इस तरह का लगाऊं, लेकिन आप लोग, चाहे वो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आपके इवेंट्स हैं, चाहे वो आपकी शादियां हैं, चाहे वो आपकी रेस्टोरेंट्स हैं, आपके होटल्स हैं, आप लोग ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। आप सब के साथ मिलकर इंशाल्लाह, हमारी हेल्पलाइन खुली है 1373, आप उस पर रिपोर्ट करें, ग्रीन ऐप का इस्तेमाल करें, उसमें ट्रैफिक का भी सिस्टम दिया हुआ है। जब आप ट्रैफिक को तरफ जा रहे होते हैं, आपकी कहाँ कहाँ डाइवर्ट करें, कहाँ कहाँ कंजेशन है, वो भी उसके ऊपर आ रहा है। गूगल मैप्स उसके साथ कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग मिलकर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। मरियम औरंगज़ेब, सीनियर वज़ीर पंजाब, इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं, और स्मॉग के हवाले से पंजाब हुकूमत क्या इकदाम करने जा रही है, इससे तफसीली तौर पर आगाह कर रही थी।